हेलो दोस्तों, कुछ इस प्रकार का लोगो बनाना चाहते हो तो लास्ट तक इस वीडियो को वॉच करते रहो और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। पिक्सेल ऐप से लोगो बनाना बताने वाला हूँ, जिस चीज का मैं इसमें बनाने में यूज करने वाला हूँ उस चीज का पिक्सेल ऐप को ओपन कर लेना है। टेक्स्ट वाले बटन को दो बार टच करना है। यहाँ पर अपना जो भी यूट्यूब का नाम हो उसको लिख लेना है, जैसे कि मेरे चैनल का नाम फ्रीडम है, मैंने फ्रीडम को लिख लिया है। इसको बीच में लाना है इस प्रकार को। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में फाउंट की लिंक मिल जाएगी, उस फाउंट को डाउनलोड कर लेना है और फाउंट माय फाउंट में जाकर अपना इस फाउंट को आप कैच कर सकते हो। इस फाउंट का यूज करना है आप लोगों को इस वीडियो में। आप लोगों को कूलिंग वाले ऑप्शन को ढूंढना है। कूलिंग में जाकर आप लोगों को सबसे फर्स्ट वर्ड को मैं रेड करूंगा, उसके लिए प्लस वाले को सबसे रेड पर कर दूंगा लाइन को, ये सबसे अच्छा रेड हो जाता है इस यहाँ से। और मैं एक बीच का वर्ड डी को देखूंगा, उसको भी रेड कर दूंगा और एम भी इसके साथ एक रेड कर दूंगा। एम को भी रेड करने के बाद कुछ फाइनली कुछ इस प्रकार का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। वो आप लोगों को स्ट्रोक वाले पर अब जाना है, स्ट्रोक लिखा हुआ स्ट्रोक, स्टॉक वाले पर क्लिक करके आप लोगों को स्टॉक बटन को ऑन कर देना है। यहाँ से आप लोगों को ब्लैक को 14% या 13 पर रख लेना है या 11 पर, कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से देखकर। अब पेंडिंग वाले बटन पर जाना है। आप लोगों को पेंडिंग लिखा है, कुछ इस प्रकार पेंडिंग लिखा होगा, आपको राइट पेंडिंग को थोड़ा सा 12 पर कर लेना है, 12 से कुछ 17 पर कर लेना है आप लोगों को। और रोटेट को आप लोगों को मिडिल में कर लेना है, रोटेट पर दबाकर आपको मिडिल में कर लेना है, बिल्कुल मध्य में। कुछ इस प्रकार कॉपी करके इस पर टेक्स्ट वाले एडिट वाले पर जाकर अपना नाम लिख लेना है, गेमर या कुछ भी लास्ट में हो। मैं अपना टीजी गेमर को टैप कर लेता हूँ। आप लोगों को इसको भी कलर देना है, नॉर्मल कलर देना है। इसके लिए आप लोगों को फिर से कूलिंग वाले बटन पर जाकर नीचे वाले ग्रेटेस्ट पर जो भी लिखा रहता है उसको दबाकर यहाँ से व्हाइट कलर को चूज कर लेना है। थोड़ा थोड़ा व्हाइटनर और थोड़ा ब्लैक दिखने लगता है यहाँ से। इसको आप लोगों को इस प्रकार की पोजीशन में रख लेना है। फाइनली हमारा टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। आप थ्री डॉट के नीचे कॉपी जैसे कुछ स्टार या चिन्ह देखते हो, यहाँ से दबाकर आपको लॉक एंड देखने वाले को भी, मतलब यहाँ से उनको भी गायब कर देना, सिर्फ ओनली गायब करना, डिलीट मत कर देना है आप लोगों को। अब कुछ नहीं करना है, इम्पोर्टेंट में जाकर अपने मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे चुका हूँ। आप लोगों को अब थोड़ा ही बैक पैनल को लेना है, आराम से कुछ नहीं करना, राइट करना है इसको। फुल स्क्रीन अपनी ऐसी नॉर्मल स्क्रीन पर आते हैं, पूरी स्क्रीन पर करके मिडल पर कर लेना है। अब आप लोगों को रोटेट पॉइंट पर जाकर आप लोगों को मिडल में कर लेना है। इस प्रकार मैंने कर दिया, आप देख सकते हैं। आप लोगों को प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी पर चले जाना है। यहाँ से आप लोगों को अपने कैरेक्टर इमेज को उठा लेना है, कुछ इस प्रकार आपको कर लेना है। और यहाँ से अपने बैक पैनल को हिसाब से अच्छे से सेट कर लेना है और इसकी ट्यूनिंग इस बैक पैनल से बाहर मत जान निकलने देना, इस प्रकार देख लेना है। वीडियो को रोक कर कुछ इस प्रकार आपको सेट कर लेना है। और आपने जिस फाउंट को स्पेस या लॉक किया था उसको अनलॉक करके एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से दिखेगा नहीं, एडिट वाले पर जाकर आप लोगों को ऊपर लाना है, इस लेयर को ऊपर लाना है। लेयर को ऊपर लाते नहीं बनता है तो आराम से रोक कर देख लेना। टेक्स्ट को अपने हिसाब से कुछ इस प्रकार सेट कर लेना है, आराम से इसको थोड़ा ऊपर वाले अपने नाम को थोड़ा अच्छा कुछ बड़ा रखना है और टीजी या नीचे गेमर लिखेंगे उसको थोड़ा छोटा रखना है। व्हाइट वाले को, नॉर्मल वाले फाउंट को उसको थोड़ा छोटा रखना है। वह आपको बैकग्राउंड में जाके इसको ब्लैक कर देना है। यहाँ से अपने इसको ये देखना कटना कहाँ से इसकी रोटेशन रहेगी तो इसको थोड़ा बहुत कम कर लेना है। यहाँ से यहाँ पर लाइनें मिलेंगी आप लोगों को, देख सकते हो कुछ इस प्रकार आप लोगों को कर लेना है। इसमें भी कुछ बैकग्राउंड पर दबा के कुछ इसी प्रकार क्लिक करके ब्लैक कर लेना है। यहाँ से लाइनों से कुछ इस प्रकार एडजस्ट कर लेना है, नाम के पीछे ही रहे, ज़्यादा बाहर ऊपर मत दिखने पाए। इसके लिए आप लोगों को इसी भी लाइनों से कुछ एडजस्टिंग कर लेना है।
इसे आप लोगों को होम वाले पर दबाना है। कुछ इस प्रकार आप लोगों को चारों फाइलों को यहाँ से मैच कर देना है, टिक कर लेना है। राइट बगल के बगल में एक ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टैप करके आप लोगों को ओके कर देना है। कुछ इस प्रकार फाइलें एक साथ हो जाएगी। अब फिर से आप लोगों को उसी कॉपी जैसे चिन्ह वाले को उसको दबा देना है, होम बटन जो भी कहलाता हो उसको दबाने के बाद आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं स्ट्रोक वाले ऑप्शन में फिर से जाना है। इसको पूरा रेड कर लेना है, रेड करके आप लोगों को चार पर रखना है स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर जाकर। आप लोगों को फिर से इम्पोर्टेंट पर क्लिक करके गैलरी में चले जाना है। यहाँ से बैकग्राउंड इमेज को ले लेना है, कुछ अपने साइज से पूरे स्क्रीन पर कर लेना है आराम से, कुछ इस प्रकार कर लेना है आराम से। और मिडिल पर आपको ऑप्शन मिडिल पर जाके दबा लेना है और इस अपने इसको इस लेयर को ऊपर ले आना है। इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ फिर से प्लस वाले आइकन पर दबा के आप लोगों को फ्रॉम गैलरी में जाकर आप लोगों को फिर से करेक्टर इमेज एक उठा लेना है। गैलरी से मैं जैसे उठा रहा हूँ, इसको उठाकर आप लोगों को कुछ बड़ा साइज कर लेना है। कुछ पर बड़ा साइज करके ओपेसिटी में जाकर इसको 40 करना, ओपेसिटी ऑप्शन को क्लिक करना है ओपेसिटी, और इसको कम से कम 40 पर कर लेना है। फिर से 40 पर करना है, कुछ इस प्रकार अच्छा दिखेगा। और आप लोगों को इसको यहीं पर फिर से कॉपी वाले ऑप्शन जैसे पर दबा कर एक पर करके इस फाइल को सबसे नीचे बीच में लाना है। बीच पर आप लोगों को ये वाले ऊपर कर लेना है, सबसे अपने आप भी नीचे आ जाएगी बीच के बीच। कुछ इस प्रकार अपना बनकर रेडी हो चुका है।